नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, गुरुवार की रात को राजधानी पटना में भयंकर बवाल हुआ था, जिसकी खबर हमने आपको कल सुबह में ही बता दी थी। खबर ये थी कि पटना में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस एक सूचना पर पहुंची थी, कुछ संदिग्ध लोगों को जांच करने के लिए पहुंची थी और उसी दौरान पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन अब पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटने वाला कांग्रेसी नेता निकला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, खबर अगर विस्तार से बताएं तो पुलिस कर्मियों को सड़क पर दौड़ाकर पीटने वाले को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस पर हमला और पुलिस कर्मियों की पिटाई करने वाला शख्स कांग्रेस का नेता और पूर्व राजद एमएलसी अनवर अहमद का बेटा अशफर अहमद है, जो इस कांड में शामिल था। यही नहीं, जब पटना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और एक शख्स को हिरासत में लिया, तब शुक्रवार को कांग्रेस नेता अशफर अहमद पीरबहोर थाने पहुंच गया और पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश करने लगा। साथ ही टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह के साथ दुर्व्यवहार भी किया। देखिए, अशफर अहमद पटना नगर निगम का निवर्तमान निगम पार्षद भी है। शुक्रवार की आधी रात के बाद ही पटना पुलिस ने अशफर अहमद को गिरफ्तार किया है। अशफर अहमद की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने सड़क जाम भी किया। आधा दर्जन थानों की पुलिस टीम पीरबहोर थाने पहुंच गई और तब कड़ी सुरक्षा के बीच अशफर अहमद को दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। उधर पूर्व राजद एमएलसी अनवर अहमद, जो उनके पिता हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की गई मीडिया के कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन यह मामला इतना बड़ा है कि पुलिस अब अशफर अहमद को छोड़ने के मूड में नहीं थी। कल रात की तस्वीरें भी आपने लाइव सिटीज पर देखी, किस प्रकार थाने के बाहर बवाल हो रहा था। जैसे ही पुलिस ने अशफर अहमद को गिरफ्तार किया, उसके बाद उनके समर्थक जो है वो थाने के पास चले आए, थाने का फिर से घेराव कर दिया और वहां पर खूब हंगामा होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि ये अशफर अहमद जो है वो कांग्रेस नेता भी है और निवर्तमान निगम पार्षद भी है, और ऐसे में इसने अपने नेतागिरी का धौंस दिखाना चाहा, तुरंत थाने पर पहुंच जाता है और तुरंत टाउन डीएसपी के साथ उसने बदतमीजी भी करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, ये वही शख्स है जो खुद को तो बड़ा नेता मानता है लेकिन पुलिस को दौड़ा दौड़ाकर सड़क पर पीटता है, लेकिन अब पुलिस ने आधी रात को इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये अशफर अहमद वही है जिसने गुरुवार की रात को पुलिस को दौड़ा दौड़ाकर पीटा था। आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि पुलिस जो पीरबहोर थाना गई थी, पीरबहोर के पटना मार्केट के आसपास के इलाके में पुलिस गई थी इस सूचना पर कि वहां हथियार के साथ कुछ लोग जो हैं बैठे हुए हैं, तो इसी सूचना पर पुलिस पहुंचने के बाद कुछ लोगों को वहां पाती है, जिन्हें हिरासत में लेकर जांच के लिए थाने में ले जा रही होती है कि उसी दौरान कुछ लोग टूट पड़ते हैं और उनमें सबसे आगे जो है ये अशफर अहमद रहता है, जो कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटता है। और इसकी पिटाई से देखिए हालात ये हो जाते हैं कि एक पुलिसकर्मी घायल इतना हो जाता है कि उसे पीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ता है। तो अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे ही पुलिस अशफर अहमद को गिरफ्तार करने पहुंची और गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो थाने पर घेराव कर दिया गया। बड़ा मामला, बड़ा बवाल हो गया राजधानी पटना में, लेकिन पुलिस छोड़ने के मूड में नहीं थी और ना ही छोड़ा। तो अब अशफर अहमद गिरफ्तार हो चुका है, बड़ा मामला निकलकर सामने आया है राजधानी पटना में। दो दिनों से लगातार बवाल चल रहा है, आपने देखा गुरुवार की रात को भी रात में बवाल हुआ और शुक्रवार की रात यानी कि कल जो आपने लाइव सिटीज पर तस्वीर देखी वो भी बवाल का ही रूप था। जब अशफर अहमद की गिरफ्तारी होती है तब भी बवाल होता है, लोग सड़क पर उतर जाते हैं, थाने का घेराव कर लेते हैं। ऐसे में अब गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ आगे होता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये मामला अभी रुकने वाला तो नहीं लगता है। लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस मामले में लोग लगातार थाने पर पहुंच रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आगे जो भी निकलेगा हम आपको जरूर बताएंगे, बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।